नमस्कार, नायक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भी आपको जाने जाने पहचाने हमारे रमेश ठाकुर जी, जो नंबर टाइम्स से भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं। मेरा मुद्दा है कि उत्तराखंड के अंदर बंजार समुदाय के जो लोग रहने वाले हैं, उनको गौर बोली भाषा, उसका उनको ज्ञान नहीं है। इसका क्या कारण रहा, आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 3500 ऐसी भाषाएं हैं जो दम तोड़ चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। उनमें से ग्वार भी भाषा जो प्रमुख है। उनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ग्वार समुदाय के लोग रहते हैं, और उनको अपनी जो जुबान होनी चाहिए, जो उनकी बोली है, जो उनकी पहचान रही है, वो बोल नहीं पाते हैं। वही उत्तराखंड का प्रमुख इलाका है बाजपुर, जहाँ आप चले जाइएगा, वो अपना बोलना ही सीख भूल गए कि बोला कैसे जाता है। उत्तराखंड के अलावा यूपी में एटा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, लखीमपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, यहाँ आज भी लोग अपनी भाषा को बोलते हैं, अपनी भाषा में बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ अब भी जिंदा है। बाजपुर, उत्तराखंड, यहाँ पे लोग अपनी भाषा नहीं बोल पाते हैं। उनसे अगर कोई बोलता है तो यहाँ से जाके तो बड़ा अचरज महसूस करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार है। जो समुदाय अपनी जुबान भूल जाता है, जो अपनी भाषा जिसको नहीं आती है, तो वो अपने के बारे में कभी भविष्य में क्या पहचान बता सकता है। हमारी बंजार लाइव और नायक न्यूज की टीम वहाँ पर मौजूद गई हुई थी बाजपुर गांव के अंदर में। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको जानकारियाँ हैं, बट जो नई पीढ़ियाँ हैं, जो नए यंग हैं, उनको कोई भी जानकारी नहीं है कि ग्वार बोली भाषा में बात कैसे की जाती है। हाँ, तो वही वजह है ना, जो बुजुर्ग बच्चे हैं मुट्ठियों में गिना सकते हो जिनका नाम, तो वो लोग जिंदा हैं जब तक, वो जानते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल तरीके से लुप्त हो चुकी है। उनको भाषा के ज्ञान नहीं है, वो कैसे अपनी संस्कृति को याद रखेंगे, कैसे अपनी पृष्ठभूमि को याद रख पाएंगे, कैसे अपने इतिहास जानेंगे। तो ये बहुत बड़ा सोचनीय मुद्दा है हमारे लिए, और इस पर किस तरीके से काबू पाया जाए, ये हम सब लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए। लेकिन जो गौर बोली जो भाषा, बंजारा समाज की जो भाषा है, वो एक खुफिया तरीके की भाषा है कि हमारे समुदाय के लोग कहीं भी अगर व्यापार करने जाया करते थे तो उस भाषा का इस्तेमाल इसलिए करते थे जब वो व्यापार करते थे कि उनका पैसों का लेन देन हुआ करता था व्यापार में के रूप में, तो वो अपनी भाषा में उन पैसे का लेन देन का इस्तेमाल करते ताकि अदर आदमी उस भाषा को न समझ पाए, ताकि उनकी कोई लूट वगैरह, कोई ऐसी चोरी ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए। अपना लाखों रुपए का लेन देन का व्यापार उस टाइम पे वो लोग करते थे। तो उस भाषा का इस्तेमाल करने का, यानी कि अभी कोई किसी से अदर कास्ट से झगड़ा हो जाता है तो एक अपनी लैंग्वेज में बात कर लिया करते थे ताकि कोई और नहीं समझ पाए। तो और दूसरी बात, ये अदर कास्ट का है या फिर तेलंगाना में है या कोई और है, तो वो लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बंजार समाज के लोग अपनी भाषा को ये सोचते हैं कि अपने आप को एक ये सोचते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा अलग समुदाय के लोग हैं, हम लोग अपनी भाषा बोलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास महसूस होगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कुछ लोग अपनी गलानता महसूस करते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि शायद अगर शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई, उन्होंने हर तरीके से अपने आगे रिप्रेजेंट किया अपने लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ग्वार लोग हैं, उनको ये लगा कि हम पिछड़ते पिछड़ते ही जा रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने अपने को रोका, अपने को बचाने की कोशिश करी, लेकिन बचाने के चक्कर में उनकी पहचान ही धूमिल हो गई। तो इसमें सब लोगों को विचार करना चाहिए, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे कर्नाटका के हों, हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से भाषा लुप्त होती जा रही है पूरे मुल्क में, 3500 भाषा लुप्त हो चुकी हैं, तो ऐसी कोई भाषा ना हो कि उसकी संख्या दर संख्या बढ़ती जानी चाहिए। ग्वार समुदाय को मेरे ख्याल से वैसे ही सोचना चाहिए। उनके बुजुर्ग अगर कहते हैं अपने युवा पीढ़ी को कि अपनी लैंग्वेज, जो आपका पृष्ठभूमि रही, जो आपका इतिहास रहा है, उस पर आप फोकस करो, लेकिन आज की पीढ़ी उस चीज़ को नकारती है। उनको हिंदी भी छोड़ो, वो अंग्रेजी तो उनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी है, वो अंग्रेजी में ही बात करना चाहता है। जब अंग्रेजी किसी को पर हावी हो जाती है तो हिंदुस्तान की लुप्त होती भाषा
में उनका कोई मतलब नहीं है, एक लुप्त हो, 10 लुप्त हो, 1000 लुप्त हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण हो रहा है जो हमारी प्रादेशिक जो भाषा है, जो लैंग्वेज, जो स्थानीय जो लैंग्वेज है, मरती जा रही है दिल पे। तो इसका आप संदेश ये बताना चाह रहे हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर में या कहीं का भी कोई बंजार समुदाय का जो हमारे जो भाई हैं, उनको ये संदेश दें अपने द्वारा कि एक ग्वार की जो बोली है, भाषा को जिनको आती है, वो एक दूसरे के द्वारा सीखें। नहीं, ये तो देखो सबसे बड़ी बात है, आप अगर हर जगह जा रहे हो, समुदाय के लोगों से मिल रहे हो और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं उनको इस चीज़ का संदेश दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। होता क्या ना, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, हर 20 किलोमीटर के बाद में भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, ठीक है, उसमें रमना भी आदमी को पड़ता है। लेकिन होता क्या है ना, जो आपकी मेन संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो तो नहीं भूल सकते हो। हाँ। आप किसी की नकल क्यों करते हो? आपकी जो आपकी भाषा है, आप उस भाषा पे अटल रहो और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी वही ज्ञान दो। ठीक है, अंग्रेजी जरूरत है हमारी, हिंदी जरूरत है आज के समय में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो अपनाओ, लेकिन अपनाने के साथ में आपकी अपनी भाषा को क्यों लुप्त होने देना चाह रहे हो? अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देहरादून से मेरे पास में एक पांडे करके कॉल आया था, उन्होंने ये जानकारी दी कि भारत सरकार खुद स्वयं बंजारा समुदाय के लोगों के कल्चर के बारे में जानना चाहती है, और जुलाई में वो लोग आ रहे हैं जो जो, क्योंकि जुलाई में शादियां होती हैं, तो कल्चर देने जाएंगे किस तरीके से, इनकी शादी ब्याह में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, सारा भारत सरकार खुद इसकी जानकारी ले रही है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ। इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा और लुप्त हुई भाषा को, लुप्त हुई समुदाय को अगर वो सरकारी स्तर पर अगर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। तो ये आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाला है, 45 दिन के लिए उनकी पूरी टीम आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में 45 दिन के लिए टीम उनकी रहेगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत अच्छी बात है, मुझे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आ रही है टीम, अगर सब लोगों को जोड़ रही है, मरती हुई भाषा को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। अभी कुछ साल पहले तक काका कालेलकर जब आयोग बना था, उसमें यही व्याख्या की गई थी, जो हमारे हिंदुस्तान में लैंग्वेज भाषा मरती जा रही है, उस भाषा को जिंदा करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सरकार दर सरकार बदलती गई, किसी ने प्रयास नहीं करा, ठीक है, वही वजह है अंग्रेजी इतनी हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो दिन पे दिन मरती जा रही है। बहुत अच्छा लगा रमेश ठाकुर जी आपसे बात करके, शुक्रिया।